الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم يا رسول أمين मुरसली मुर्सली सुमी हतम मुरसली तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं है यकीदा ये अपना दा ये अपना बाशिद को यकीन तुझ सा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। के जी वालेकुम असल वरहुल्हि वरकू आपका नाम मोहतरम जी मुझे मोहम्मद कदीर खान कहते हैं मैं इदारा ऐसा में पल ये पल स्कूल एंड कॉलेज चहर रावला कोट एज यहाँ प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ और तकरीबन 2006 से मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये जो इदारा है तकरीबन 80s में यानी 85 के लगभग इसको जो है वो स्टार्ट लिया गया था इसका तो अलहमदिल्ला आज तक इसका यह सफ़र जारी है नाइन्टीज़ में जाके हमने इसको मिडिल सतह तक इसको करवाया था रजिस्ट्रेशन हो गई थी इसकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से 2003 में जाके इसका जो हमने टेंथ तक इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई और फिर 2012 में हमने इसको कॉलेज का दर्जा दिलवाया अल्हम्दुलिल्लाह और अभी माशाल्लाह ये सिस्टम चल रहा है और 2012 से लेकर आज तक जो है वो हमारी तकरीबन नौ या दस जो स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि जो मुख्तफ़ कॉलेज़ में एम बी एस में हैं मेडिकल कॉलेज जो आ, यू मेडिकल कॉलेज है अबाबाद वहाँ मुजफ़राबाद यहाँ रत उस तरह मुख्त कॉलेज़ में अलहमदिल्ला हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एम बी बी एस की आ, उस आ, डिग्री के असूल के लिए आ, वो अपनी कोशिश जारी रखी हुई तो सर ये आपने ये शोबा कैसे मैं बेसिकली मेरे अंदर एक छोटा सा टीचर छुपा हुआ था एजुकेशन के दौरान ही मुझे कुछ लग रहा था कि मुझे कुछ करना चाहिए पूरी सोसाइटी को कुछ देना चाह रहा था मैं तो 95 में में जो मुझे दुबई जाने का इतफाक़ हुआ तो वहाँ तो को तो एक दो साल मैंने लगाए अच्छा जॉब वहाँ अच्छा था मेरा सारा कुछ था पैसा था लेकिन मेरे अंदर वो एक जो एक जिसे कहते हैं ना तिश थी जी। एक हलचल थी जिसको मैं वो पूरा करना चाह रहा था कि ये आखिर क्या चीज़ अंदर जब मैं नाइन्टी सेवन में वापस आया तो नाइन्टी एट में मैंने शहर में एक स्कूल था उसको ज्वाइन किया मेरे दोस्त उन्होंने कहा मिल के काम करते हैं तो उसको मैंने ज्वाइन किया तो यानी बस एक ही वो उसमें था कि मैं सोसाइटी में कोई रोल प्ले करूं मैं मैं लोगों को राय रास्त पे लेके आऊं ये जो बच्चे हैं इन पे ऐसा काम किया जाए इनकी जो है वो शख्सियत साजी की जाए और इनको माशरे का सोसाइटी के कारम जो है वो मेंबर बनाया जाए और फिर आखिरत का जो सच्ची जो बात है कि जहन में ये था कि ये सारा कुछ यानी पैसा तो कुछ नहीं है चूँकि हसनल बनना शायद आपने पढ़ा होगा मिस्र के जो एक बड़े अजीम मुफक्र भी गुज़रे हैं और एक मुसनफ़ भी थे और बाद में टीचर तो लोगों ने उनसे पूछा किसी ने शायद उनसे पूछा जी कि आपने जो है वो किताबें लिखना आजकल छोड़ दी हैं तो कि तो कहा जी कि मैंने अब इंसान तशनीफ करना शुरू कर लिया है जब से वो टीचिंग में आए तो यही मेरा भी था कि बस इंसानों की तस्नीक की जाए उनके अंदर जो है वो दीन और दुनिया दोनों की भलाई की बातें बढ़ाई जाएँ और इस सोसाइटी जो जो एक वैक्यूम सा लग रहा था स्टिल अभी भी तो है ये पुर तो करना बड़ा मुश्किल है लेकिन एक कोशिश है कि हम इसको ले कर चलें कहाँ तक स्कूल है आपका हमारा स्कूल जो है वो एफ एस सी लेवल तक है जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नाइनटीज़ में हमने इसको मिडिल सतह पर किया और फिर जो है 2003 में जाके इसको हमने मैट्रिक से तभी इसका हिला हुआ एक उसमें और फिर 2012 में जाके हमने इसको कॉलेज से तभी इंटर इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई अच्छा सर ये एक साथ के लिए किस चीज़ का होना जरूरी है मैं तो समझता हूँ जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग इससे जो फील्ड है इसमें कोई बाई चांस हैं और कुछ बाई चॉइस हैं तो एक अच्छे उस्ताद के लिए है उसके उसाफे हमेंदा जो हैं सबसे पहले तो उसको अपनी मंजिल का पता हो कि मैं इस फील्ड में आया क्यों हूँ ना तो ये ज़रा ये पेइंग प्रोफेशन तो है नहीं इसमें जस्ट सिर्फ आपका ये होता है कि आपका इनर सेटिस्फेक्शन होती है आप, आप को दिल से कोई को काम करना चाह रहे चाह रहे होते हैं सोसाइटी को कुछ देना चाह रहे होते हैं तो एक अच्छा टीचर जो है मैं समझता हूँ कि चूँकि एक रोल मॉडल मॉडल होता है और उसने नई सोसाइटी को ऐसे ले कर चलना है कि लोग उसको देखे अट्रैक्ट हों उसकी उसकी किरदार को देखे और उसकी जो बाक़ी मामलात हैं और उसकी उसकी जो सोच है जो फ़िक्र है और जो रवैया है ताकि ये बच्चों पे ऐसी छाप लगे कि बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और उसको ये पता हो कि ये मैं करने में एक इंसान को एक सही मानों में इंसान के सांचे में डालने के लिए जो मेरा किरदार है उस टीचर को ये पता होना चाहिए मैं समझता हूँ अच्छे अच्छे टीचर की यही जो ख्वास हैं वो होने चाहिए उसके पास सर ये टाइम कि हुकूमत तावन करती है आपके साथ या नहीं नहीं हुकूमत तो सच्ची बात है प्राइवेट सेक्टर में चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं ज़िम्मेदार भी हूँ आजकल डिस्ट्रिक्ट में मेरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियाँ हैं तो हुकूमत की तरफ से तो हमें बिल्कुल कहीं से कोई एक रुपया भी जो है वो इमदाद कि हम बस इंडिविजुअली चल रहे हैं और यहाँ एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ कि अपने इदारे की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आप हैरान होंगे ये सुन के कि दो लाख पचास हज़ार यानी ढाई लाख रुपया पर मंथ ये ये इन रिटर्न है मेरे पास कभी आप अगर कहें तो मैं इसको यही ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ ये ऑडिटेबल भी है और चैलेंजेबल है ढाई लाख के करीब पर मंथ हम फी नहीं लेते उसमें फ्री शिप है 70 प्लस में हमारे पास या 80 के लगभग फ्री शिप है बाकी जो डिस्काउंटेड बच्चे हैं 100 200 400 600 800 यानी जितने जितना उनको डिस्काउंट दिया तो ये कुल मिला कि पर मंथ जो है हमारा ढाई लाख और एक इंडिविजुअल इदारे के लिए कि जब से लोगों के तावन से ये चल रहा है यानी फी की मद में जो पैसे हम ले बाकी कहीं से हमें कोई ऐड वगैरह वो नहीं आती तो ये पर मंथ आप देख लें तो ये सालाना तीस लाख रुपया बनता है तो तीस लाख रुपये अब आप मुझे बताएं कि अगर एक अदारा मतलब एक इंडिविजुअल इदारा जो है वो सोसाइटी को दे रहा है और फिर रिजल्ट भी हैं सर साथ हमारे खाली वही नहीं है रिजल्ट हैं हमारे बहुत अरसे गश्त पाँच छः सालों से हमारी बोर्ड में हम सरसर पोजिशन आ रही हैं पिछली दफ़ा भी हमारी पोजिशन थी कभी हम दूसरी पोजीशन पे कभी फिफ्थ पे कभी सेवन पे यानी उसमें टॉप ट्वेंटी में लाजमी होते हैं और ये जो रिज़ल्ट इन आने वाला है इकत्तीस अगस्त को इसमें भी इन शाला हमारी एक दो पोजिशन जो हैं ज़रूर होंगी और तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जो एफ एस लेवल की जो बात है तो आठ दस बच्चे जो हैं वह अभी मुस्लिम मेडिकल कॉलेज में जो है वो उस डिग्री के असूल के लिए अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं सर को पैगाम दें बच्चों के बाद एक तो सर यह है कि आपके चैनल के तसे कि वालदे जो हैं शायद कहीं अपनी जमेदारियाँ भूल रहे हैं वो बच्चों को स्कूल भेज के तो यानी मैं उनकी वो नहीं एक जनरेशन गैप ही है ये भी चीज़ें लंबी बहस उस पर मैं नहीं जाऊँगा लेकिन एक जनरेशन गैप जो है हुआ है और दूसरा ये है कि बच्चे बस घरों से यही शिकायत है कि बच्चे सुनते नहीं हैं बात अब अब उनके साथ टाइम गुजारना चूँकि आजकल एक ये जो मीडिया आ गया ये जो सेल फोन आ गया इसकी वजह से यानी आप देखेंगे एक ही रूम में बैठे हुए हैं वालदेन बच्चा अपने उसमें लगा हुआ है किसी काम में वालदा अपनी उसमें लगी हुई है और वालद साहब अपने काम में लगे हुए हैं कभी वाल साहब जाते हैं तो बच्चा सोया होता है जब बच्चा आता तो है तो वाल साहब सोए होते हैं यानी एफतूँ आपस में इनका कोई इंट्रेक्शन नहीं होता कोई बात नहीं होती तो जो एक तरबियत का एक अमल था ये चूँकि एक ट्राइंगल टाइप चीज़ है मैं अक्सर लोगों से कहा था और मैं नहीं कहता ये तो एक मुसलम असूल है और ट्रूथ है कि ये तीन लोग मिल के यानी पेरेंट्स टीचर और बच्चा मिल के सिस्टम को लेके चलते हैं तभी जाके तो एक अच्छा आप उसको वो कर सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ ये फुकदान है कि पेरेंट्स जो हैं वो उस पर इतना वो नहीं है इस पर वो अमल नहीं कर रहे